कैसा नाम है? सतेंद्र शर्मा नाम जी। शर्मा जी, क्या ये घटना हुई आपकी शॉप? आप इस समय शॉप पे बैठे हुए थे, क्या पूरा घटनाक्रम था? बच्चे बैठे थे जी, मैं दिवाली में क्या डिमांड की गई है, क्या ये पूरी घटना रही? पर्ची बता रहे हो, दीदी गई है वहाँ, उन्होंने ले लिए। लगभग कितनी डिमांड की गई है पर्ची के अंदर? वो उन्होंने बोलो, खुल के बोलो, पूरी जनता साथ है आपके, ऐसे थोड़ी होगा। कितनी रंगदारी मांगी गई है? पर्ची एस एच ओ साहब के पास 50 लाख की बता रहे हैं। पता है जो विधायक आता है ना, यहाँ प्रोटोकॉल में खड़े रहते हो आप, हमें भी पता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने देखा है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत दिन से। अभी घटना में क्या सिक्योरिटी लगाई है? यहाँ आधे घंटे बाद आए और वो आता है तो पहले आ जाते हैं। यहाँ खड़ा है आदमी पे, पुलिस पे पूरा दबाव है विधायक का, और विधायक के सिर पे सारा काम हो रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये मीडिया के सामने। सर विधायक तो कह रहा है इस तरह की घटनाओं के लिए देखो, नहीं तो किसी कोई विधायक का होता, आप लोग भी सत्ता पक्ष में। सब सीधा सीधा हो रहा है ना, आप ये देखो, आप ये देखो, मैं बताऊँ, पहले भी हमने नौकरी की है, किसका क्या राज है, हम हर राज में नौकरी करते रहे, ऐसा नहीं है, हमारा इस तरह का कोई ट्रेक नहीं। आप ये बताइए, आप ये खुद देखो कि जब कोई अधिकारी फेर काम करता है उसको शाम को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये तो आपके थाने की घटना है, आपके इजारा थाने की। जब विधायक विधायक का साहब विधायक सुनो एक मिनट विधायक के साढ़े आपको ऐसा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन जिंदाबाद, मुर्दाबाद। पहल में पुलिस बूथ भी है, क्या बात है कि पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है? वो फायरिंग करके निकल जाते हैं आराम से। क्या कहें, विगत दिनों पिछले करीब महीने 40 दिन में फायरिंग की 3 वारदातें हुई है बेवाड़ी में। पिछले दो आज की वारदात समेत पिछले दो वारदातें हुई थी, उसमें जैसा आप सबको मालूम है 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी इस घटना का भी घटनास्थल देखा है। हमारी पुलिस टीमें आवश्यक जानकारी जुटा रही है और बहुत शीघ्र ही इसका भी खुलासा करेंगे, और जो अपराधी हैं बहुत जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में होंगे और आगे की कार्रवाई। क्या आरोपी की पहचान हो पाई सर? बिल्कुल, अभी हमारी टीम काम कर रही है, बहुत से वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज हम खंगाल रहे हैं, और जल्दी ही अपराधियों को भी चिन्हित करेंगे, और अपराध के पीछे जो लोग हैं उनको भी चिन्हित। सर जो घटना पहले हुई उसी घटना से जुड़ती हुई घटना है या कुछ अलग है ये? अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कि उस पिछली दो घटनाओं से इसका कोई संबंध है नहीं है।